जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके जी के चैलेंज जी हाँ फ्रेंड्स 250 फिफ्टी क्वेश्चन आपकी इस वीडियो में मिलेंगे आपको और अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें जिसके अंदर आपको जी के आता है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है तो इस वीडियो को लास्ट लगाना है और अगर आप कैरियर पर पहली बार तो नोटिफिकेशन तो जो है आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे अपने उन दोस्तों को जिन तक अभी ये वीडियो नहीं पहुंच पाए ना सभी के साथ में शेयर करना ठीक है और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी तो चलेगा दोस्तों को शुरू करते हैं देखिएगा

रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर स्थित है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर स्थित है तो याद रखना जिनेवा स्विट्जरलैंड ऑप्शन डी जिनेवा स्विट्जरलैंड आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट नेक्स्ट का, का है अभी तक रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है अभी तक रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है तो दोस्तों याद रखना अब तक तीन बार मिल चुका है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा तीन बार याद रखना अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस

कब नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों उन्नीस में ऑप्शन ए नाइनटीन में एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या होता है

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी तो दोस्तों तो याद रखना राजकुमारी अमृता कौर कौर कौन कौन थी 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 पहली पहली महिला महिला बनी बनी की तो याद रखना राजकुमारी अमृता अध्यक्ष की ऑप्शन ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कहा की गई गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कहा की गई तो याद रखना बेलग्रेड में की गई ऑप्शन बी बेलग्रेड राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है ब्रिक्स में कुल कितने देश सम्मिलित हैं ब्रिक्स में कुल कितने देश सम्मिलित हैं तो दोस्तों याद रखना पांच सम्मिलित हैं ऑप्शन बी राइट आंसर होगा पांच आप याद रखना अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू की स्थापना किस वर्ष की गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू की स्थापना किस वर्ष की गई तो दोस्तों याद रखना उन्नीस में ऑप्शन सी उन्नीस में की गई थी डब्लू की स्थापना याद रखना नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है तो याद रखना डब्ल्यू को कहा जाता है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा डब्ल्यू आप लोग याद रखना चलिए अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी तो दोस्तों याद रखना 1946 में ऑप्शन बी 1946 फोर्टी राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है नेम

तो याद रखना सिंगापुर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई तो याद रखना दो में की गई थी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दो आप लोग याद रखना अगला क्वेश्चन है देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है तो दोस्तों याद रखना ये लंदन में है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा याद रखना एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला किस देश में स्थित है मनीला जो है ये किस देश में स्थित है तो दोस्तों याद रखना ये है फिलीपींस में कहां पर है फिलीपींस ऑप्शन बी राइट आंसर होगा फिलीपींस अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है सार्क का आठवां सदस्य देश कौन बना सार्क का आठवां सदस्य देश कौन बना तो याद रखना अफगानिस्तान कौन बना अफगानिस्तान ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अफगानिस्तान है याद रखना नेक्स्ट देखिए यूरोपीय संघ का अठाइसवा देश कौन है यूरोपीय संघ का देश कौन है तो याद रखना क्रोएशिया कौन है क्रोएशिया ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें नेक्स्ट देखिएगा ग्यारह देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में किस वर्ष अपनाया ग्यारह देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में किस वर्ष अपनाया था तो याद रखना उन्नीस में कब है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा होगी है वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा है तो याद रखना 19 ऑप्शन डी 19 देशों की मुद्रा है यूरो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है याद रखना नौका दौड़ से ऑप्शन ए नौका दौड़ राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है भारत आईसीसी का सदस्य देश किस वर्ष बना भारत आईसीसी का सदस्य देश किस वर्ष बना तो याद रखना 1926 में 1926 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई बीसीसीआई की स्थापना कब की गई तो याद रखना 1928 में 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की गई ऑप्शन सी राइट आंसर होगा नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे तो याद रखना आर ई ग्रांट गोवेल ऑप्शन डी आर ई ग्रांट गोवेल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है, next है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय सीमा कितना निर्धारित है अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच का समय सीमा कितना मिनट निर्धारित तो <Dि>। है तो याद रखना सत्तर मिनट निर्धारित है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है विश्व कप फुटबॉल के विजेता देश कौन है प्रथम विश्व कप फुटबॉल के विजेता देश कौन है तो याद रखना ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कौन है उरुग्वे अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है मोहन बागान है आप लोग देखना ऑप्शन ए मोहन बागान राइट आंसर होगा नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए है फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है तो याद रखना ये पेरिस में कहां पर है पेरिस में ऑप्शन बी पेरिस राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है फुटबॉल का ब्लैक पल के नाम से किसे जाना जाता है फुटबॉल का ब्लैक पल के नाम से किसको जाना जाता है तो याद रखना पेले को किसको पेले को फुटबॉल का ब्लैक पल कहा जाता है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा पेले याद रखना अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी कौन सा है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी कौन सा है तो याद रखना दोस्तों डूरन कप कौन सा है डूरन कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी है ऑप्शन बी डूरन कप राइट right आंसर होगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है तो याद रखना गुड़ दौड़ से ऑप्शन सी वेलिंगटन कप का संबंध है दौड़ से याद रखना हॉर्स रेसिंग ऑप्शन सी राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई 1961 में कब की गई 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1961 नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम खिलाड़ी कौन है एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है तो दोस्तों याद रखना सचिन तेंदुलकर कौन है सचिन तेंदुलकर है एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है सचिन तेंदुलकर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लाइक शेयर करते रहिए अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें पंकज आडवाणी का संबंध है किससे किसके लिए से सुनोकर याद रखना किससे है सुनोकर से संबंधित है ऑप्शन सी सुनोकर राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है शतरंज बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है शतरंज बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है इसमें 64 कितनी होती है दोस्तों तो? 64 ऑप्शन बी चौसठ राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय सीमा कितना निर्धारित है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का समय सीमा कितने मिनट निर्धारित है तो याद रखना नाइनटी मिनट नब्बे मिनट निर्धारित किया गया है ऑप्शन डी राइट आंसर नब्बे मिनट है याद रखना नेक्स्ट है प्रथम विश्व कप टी ट्वेंटी क्रिकेट मैच का आयोजन कहां पर किया गया प्रथम विश्व कप टी ट्वेंटी क्रिकेट मैच का आयोजन कहाँ पर किया गया था तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका में कहा पर है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था प्रथम विश्व कप टी ट्वेंटी क्रिकेट मैच का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है Aces टेस्ट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है एसज टेस्ट श्रृंखला किन दो देशों के बीच में खेली जाती है तो याद रखना ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है अगला क्वेश्चन है प्रथम आईपीएल टूर्नामेंट किस वर्ष खेला गया पहला आईपीएल टूर्नामेंट है, किस वर्ष खेला गया था तो याद रखना 2008 में ऑप्शन सी 2008 में पहला आईपीएल टूर्नामेंट खेला गया था याद रखना अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है तो दोस्तों तो याद रखना हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन डी हॉकी राइट आंसर होगा याद रखना नेक्स्ट नेक्स्ट है सोलह फिट हिट पद का संबंध किस खेल से सोलह फिट हिट पद का संबंध किस खेल से है तो दोस्तों याद रखना हॉकी खेल से है ऑप्शन बी हॉकी राइट आंसर होगा याद रखना अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला वन में भाग लेने वाला पहला भारतीय कौन है फॉर्मूला वन रेसिंग कार में भाग लेने वाला पहला भारतीय कौन है तो याद रखना नारायण कार्तिकेन ऑप्शन सी कौन है दोस्तों तो नारायण कार्तिकेन भारत के अंदरे? पहला व्यक्ति जो फॉर्मूला वन रेसिंग में हिस्सा लिया ऑप्शन सी नारायण राइट आंसर होगा नेक्स्ट है सोल्ट लेक स्टेडियम कहां पर स्थित है लेक स्टेडियम पर स्थित है तो दोस्तों याद रखना ये कोलकाता में कहां पर है ये कोलकाता में है ऑप्शन बी right राइट आंसर होगा कोलकाता याद रखना नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार को जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है अर्जुन पुरस्कार को जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है सात दशमलव पांच लाख ऑप्शन बी सेवन पॉइंट फाइव लाख आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया तो दोस्तों तो याद रखना विश्वनाथ आनंद को ऑप्शन डी राइट आंसर होगा याद रखना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया था और ये चेस प्लेयर है शतरंज खिलाड़ी है याद रखिएगा तो दोस्तों आज की वीडियो आपकी यहीं पर कंप्लीट थी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने सभी दोस्तों में जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप यहाँ पर पहली बार आए करियर पॉइंट चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक गुड बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत